को जब दूर से देखते हैं लोग तो हैरान होते हैं कि ये रोड के बीच में ये कश्ती किस तरह खड़ी हुई है। जब वो करीब आते हैं देखते हैं और उनको गुंबद और मीनार नजर आता है तो उनकी खुशगवार हैरत होती है कि यार ये तो मस्जिद है माशाल्लाह, बड़ा हुआ हैरत में आए थे। ये ब्रिटिश दौर में बनी है मस्जिद, जब ये सामने नदी का जो बाउंड्री बन रही थी तो उस वक्त वहाँ के जो मजदूर आए थे उन्होंने यहाँ पर कच्ची सी एक मस्जिद बनाई थी। उसके बाद ये मस्जिद हमारी बिरादरी के जो हमारी कच्ची मुस्लिम कादरी जमात जो इंडिया से हिजरत करके यहाँ आए थे तो उन्होंने ये मस्जिद बनाई। अब उस वक्त उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ने कहा कि ये मस्जिद शहीद होकर सामने नदी की तरफ बना के देते हैं आपको, तो यहाँ के जो हमारी बिरादरी के खासतौर पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम मस्जिद शहीद होने नहीं देंगे। उन्होंने अपने घरों की कुर्बानी दी, बोला हम अपने घरों की तो कुर्बानी दे सकते हैं लेकिन मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे, जहाँ मस्जिद बनी हुई है वहीं रहेगी। तो इस तरह ये मस्जिद रोड के बीच में आ गई, दोनों साइड से रोड बने, आगे पीछे जो है ना पार्क बना। मस्जिद तो स्क्वायर थी तो आगे और पीछे पार्क जो है ना वो त्रिकोण से टाइप के बने थे। पुरानी मस्जिद थी हमारी, वो बड़ी तारीखी मस्जिद थी, यानी कि पुरानी लोगों को यादें अपनी वाबस्ता थी कि यार ये इतनी पुरानी मस्जिद है, हम यहाँ पर कुशादा और चौक स्क्वायर में थी, तो बड़ा लोग इत्मीनान महसूस करते थे। जब वो मस्जिद सही थी तो लोगों के दिल में आया था कि यार अब वो मस्जिद का सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब माशाल्लाह ये मस्जिद बनी है तो ये इतनी मशहूर हो गई है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अब लोग यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ के फ़ख्र महसूस करते हैं कि यार हम कश्ती वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और ये पूरी दुनिया में मशहूर है।